नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं इन 24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य, आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिवाली में खरीदारों को एटीएम का झटका, नहीं निकल रहे पैसे तो ज्यादातर एटीएम में लगकर तकनीकी खराबी का बोल। राशन दुकान विवाद मामले पर संचालक और पार्षद आमने सामने, दोनों ही पक्षों ने लगाई आरोपों की छड़ी। और कोरबा पुलिस विभाग ने मनाई कुष्ठ पीड़ितों के बीच दिवाली, मिठाई और कपड़ों का किया वितरण। आरोग्य और सुख संपदा वैभव के प्रतीक पर्व धनतेरस के मौके पर आज शिव औषधालय की ओर से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पूजन कार्यक्रम में कोरबा सांसद बंसीलाल महतो भी शामिल हुए। उन्होंने सभी शहरवासियों को इस अवसर की बधाई देते हुए सभी के आरोग्य रहते हुए सुख शांति और वैभव प्राप्ति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आयुर्वेद और चिकित्सा के संबंध में अपने अनुभवों को भी साझा किया। पूजन के आयोजनकर्ताओं ने भी भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ सभी को इस अवसर पर बधाइयां प्रेषित की। मैं तो खुलेआम आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ एलोपैथिक करता हूं। मैं हमारे चिकित्सक बंधुओं से फिर से निवेदन करता हूं इस मंच से कि एलोपैथिक चिकित्सा करते समय उसके गुण दोष को जरूर देखें और अध्ययन जरूर करें। हम लोग पढ़ाई लिखाई का बंद मत करें, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। धन्वंतरी जयंती का कल ही शायद भागवत पुराण में एक जगह कथा में गया था, वहाँ पर इसकी चर्चा हुई थी हल्की सी। धन्वंतरी जी का एक सुकन्या नाम की एक राजा की पुत्री थी, उसने एक बीवर को देख करके और उस पर टिमटिमा रहे थे दो आँख, शायद आप लोगों को कभी और बोला होगा, उसमें बेल के कांटा उसने घुसा दिया उस लड़की में। और वो दधीची राजा थे, दधीची मुनि थे। वो उठ करके बहुत नाराज हुए, राजा उसके पास अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाए, लेकिन उसने बोला जिसने मेरे आँख को खराब किया है वही मेरा सेवा करे। अंत में वो राजा तैयार नहीं हुआ तो लड़की तैयार हुई सुकन्या और उसकी पत्नी बनी। 13 वर्ष की लड़की दधीची महाराज के पत्नी बनी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के त्यौहार के आरंभ के शुभ अवसर पर सबसे पहले मतलब कहा गया पहला सुख निरोगी काया, तो उसी के अनुसार भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण दिवस के साथ इस दीपावली का उत्सव का प्रारंभ होता है। और उसी दिवस को मनाने के लिए धन संपदा आरोग्य ऐश्वर्य और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी प्रार्थना की मंगल कामना के साथ शिव औषधालय द्वारा प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम किया जाता है धन्वंतरी जयंती का। उसी तारतम्य में आज भी 17 अक्टूबर 2017 को धन्वंतरी जयंती का कार्यक्रम माननीय सांसद डॉक्टर बंसीलाल महतो जी के मुख्य आतिथ्य में और गण्यमान्य चिकित्सक आम पूर्वा अंचलवासियों के साथ में सामूहिक पूजन एवं आरती करके विश्व मंगल की कामना के साथ यह पूजन किया गया। परमार्थ और सरोकारों की परिपाटी से मजबूत इंसानी जज्बातों को भी मायूस करता एक मामला इन दिनों जिले के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में देखने को मिल रहा है, जहां दोनों किडनी फेल हो जाने जैसी बीमारी से जूझते बेटे के लिए एक अभागी मां ने मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित गौरव चौहान बीते अगस्त से ही किडनी फेलियर जैसी बीमारी से जूझते हुए बदकिस्मती के बिस्तर पर पड़ा है और किसी चमत्कार की उम्मीद से सभी को निगाह भर देख भी रहा है। फिलहाल पीड़ित गौरव को डायलिसिस पर रखा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अपने बेटे को मर्म भरी नजरों से निहारती इस मां के लिए शायद यह वक्त उसके जीवन का सबसे भारी पल हो। जिस जिगर के टुकड़े को उसने अपने आंचल के साए से एक पल के लिए दूर नहीं होने दिया, वही बेटा आज जिंदगी और मौत के बीच बेबसी के साथ खड़ा हुआ है। बेटे की टूटती हर सांसों के बीच उम्मीदों का दामन थामे माँ ने अपने बेटे की जिंदगी के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। शायद उसे अब भी यकीन है कि मदद की एक छोटी सी लौ उसके बेटे के बुझते जीवन में फिर से उजियारा भर दे। गौरव की मम्मी हूँ और मैं तो अपना किडनी देने के लिए मैं तैयार थी बेलूर में। मेरा टेस्ट रूट सब चला पर मेरा रिजेक्ट कर दिया गया कि मेरे को शुगर है करके, है ना।
और मैं लोगों से ही टीवी से यही बोलना चाहूँगी कि मेरा बेटा को ट्रांसप्लांट करना ही है बोल के मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं, तो मेरा बेटे के लिए मैं मदद मांगना चाह रही हूँ सभी लोगों। गौरव चौहान। ये मेरे को सितंबर जुलाई अगस्त से प्रॉब्लम है, ये डायलिसिस में आया हूँ मैं। ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दोनों किडनी सिकुड़ गया है, फिल्ट्रेशन करना बंद कर दिया है जैसे दोनों किडनी खराब हो गया है। दीपावली के मौके पर जहां लोग खरीदारी का सपना लेकर बाजारों में निकलने की सोच रहे हैं, तो वहीं शहर के एटीएम में पैसा नहीं होने से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली के शुरुआत के साथ ही कोरबा शहर के ज्यादातर एटीएम या तो ड्राई हो चुके हैं या उनमें एटीएम खराब होने का बोर्ड लटका दिया गया है। आलम यह है कि अपना ही पैसा पाने के लिए लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ज्यादातर समस्या SBI के ATM में देखने को मिल रही है। खुद SBI ATM के एक गार्ड भी बीते 3 महीने से ATM खराब होने की बात कह रहा है। पैसे नहीं निकलने से परेशान ऐसे ही लोगों से बात की INN24 के रिपोर्टर ने। मैं मानिकपुर से आ रहा हूँ, मानिकपुर भी बंद है, यहाँ भी बंद है ATM, ये तो कोई जरूरी नहीं है, आदमी इसमें परेशानी हो रहा है। अभी त्योहार के मद्देनजर कितने परेशानी हो रही है अपने पब्लिक को हो रहे हैं, जब पब्लिक जब पैसा रख रहे हैं तो पब्लिक को दिक्कत हो रहा है, तब मतलब है क्या ATM को। मैं तो यहाँ पैसा निकालने आया था, जरूरी काम हो गया था, 2 ATM से घूम के आया, यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे भी बंद है, 1 हफ्ते से घूम रहे हैं यहाँ पे। दिवाली का सीज़न है, यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ लेना पड़ रहा है, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। बैंक में इतनी लंबी लाइन थी, यहाँ आए तो यहाँ पे भी बंद था, बार बार इधर से उधर घूम रहे हैं। अब जाऊँगा कहीं और। 1 अगस्त से ड्यूटी। यहाँ मशीन के खराबी कब से है? मशीन खराब SBI ये कितने दिन से खराब पड़ी है? यहाँ ये 3रा महीना चल रहा है। 3 महीने से खराब है। हाँ, आए दिन ऐसे और लोग आते हैं, मतलब 4-5 दिन हुआ है खराब हुए। अच्छा, बीच में खराबी रहता है अक्सर? हाँ, बीच बीच में अचानक होता है ऐसे, आज ही चलता है समय में अचानक चालू होता है। तो इसकी शिकायत ब्रांच में? शिकायत की है सर, ब्रांच में सब कर दिए, सबको मालूम है। इंजीनियर को फोन कर रहे हैं तो आ रहे हैं, बोलते हैं अब अभी तक तो आए नहीं इंजीनियर, अब कब तक आ रहा है पता नहीं। अब देखते हैं, अब देख रहे हैं, इंतजार तो कर रहे हैं उसका। आते हैं जो लोग, परेशानी तो हो रहा है, अब कस्टमर लोग आने जाने वाले लोग परेशानी तो हो ही रहा है। कोयला श्रमिक संगठन C2 के बैनर तले पिछले 5 महीने से अनशन पर बैठे श्रमिक संगठन C2 के निजी सुरक्षा प्रहरियों की किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों के तहत वे बीते 30 मई से क्रमिक भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों का जिक्र करते हुए उन्होंने पहले की तरह काम जारी रखे जाने, काटे गए CMPF की राशि का हिसाब करने और बकाया राशि के तत्काल भुगतान करने की बात कही है। पीड़ित कर्मियों ने बताया कि पैसे की कमी का असर अब उनके आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। स्कूलों में शुल्क के भुगतान नहीं होने से उनके बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए जा रहे हैं। वहीं आजीविका के साधन जुटा पाने में भी कई चुनौतियां सामने आ रही है। इन सब के बाद भी SECL प्रबंधन पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। 5 महीने से ज्यादा हो गया बैठे हैं, हम लोग का कोई खोज खबर नहीं दे रहा है, हम लोग बिल्कुल एकदम रोड पर आ गए हैं। बाल बच्चे को फीस देने के लिए भी पैसा नहीं है, हमारे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई साहब 6 महीने के अंदर में कोई साहब यहाँ दर्शन देने के लिए भी नहीं आया है। अभी 6 महीने से आप लोग के घर की स्थिति क्या है और कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? एक टाइम खाते हैं, एक टाइम उपास रहते हैं। हम लोग 23 मई से हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, 16 मई से हम लोग का ड्यूटी बंद हुआ है और बच्चे का स्थिति है कि स्कूल से उन लोगों का नाम काट दिया जाता है, फीस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे जो है स्कूल से बाहर हो रहे हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट हम लोग को कोई सुनने के लिए नहीं आता है बात को। एक टाइम हम लोग खाते हैं, एक टाइम उपवास रहते हैं, रोड पर हम लोग आ गए हैं। आज दीपावली का समय है, लेकिन दीपावली के समय में हम लोग किस तरह से गुजर रहे हैं वो भगवान जाने। आज हम लोग के पास में खाने का पैसा नहीं है तो हम लोग दीपावली क्या मनाएंगे? हम लोग का CMPF बचा है वो भी पैसा नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कि ठेकेदार से जाके बात कीजिए, ठेकेदार को हम बुलाएंगे कि मैनेजमेंट का काम है बुलाना। जब लोग हमारे बात को नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपना विकल रूप धारण करेंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे, वहाँ से नहीं होगा तो फिर हम लोग रोड पर आएंगे, हम लोग अपने से निपटेंगे, मरता क्या ना कर सकता।
सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार और इलाज में लापरवाही की शिकायतें आम बात है, मगर जगदलपुर के महारानी अस्पताल के मेडिकल मेल वार्ड में व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही नर्स को मरीज के परिजन द्वारा ग्लूकोज बॉटल बदलने के लिए कहना इतना नागवार गुजरा कि उसने न सिर्फ मरीज को पीटा बल्कि परिजन की माँ को भी झापड़ मार दिया। यह देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ बाकायदा कई जगह सूचना चस्पा की गई है, मीडिया का अंदर जाना मना है। जगदलपुर के शासकीय महारानी हॉस्पिटल सह मेडिकल कॉलेज के मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीज को लगाई गई ग्लूकोज बोतल खत्म होने पर भाई द्वारा वहां तैनात नर्स को जानकारी दी गई कि बोतल खत्म हो गई है, बदल दें। मोबाइल पर चैटिंग कर रही नर्स ने कहा आती हूँ, 15 मिनट गुजरने पर भी वह मरीज की बोतल बदलने नहीं आई। पुनः नर्स को सूचना दी गई, फिर 15 मिनट गुजरे, नर्स मोबाइल पर चैटिंग करती बैठी रही, तब तक मरीज का खून उल्टी दिशा में बोतल की ओर चढ़ने लगा। इस बार फिर नर्स को उक्ताशय की जानकारी देने मरीज का भाई पहुंचा, तो नर्स झल्लाते हुए मरीज के पास गई। उसने बोतल तो नहीं बदली बल्कि जोर से निदिल को झटके से खींचकर अलग किया, परिणाम स्वरूप मरीज का रक्त जमीन पर गिरने लगा। जब नर्स को इस लापरवाही पर टोका गया तो उसने पहले मरीज को पीट दिया और मरीज की मां ने रोकना चाहा तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की। मेरी मां को हाथ नहीं लगाना, ये देखो खून गिर रहा है, लड़का को पेट के मारिए, पेन पेक के मारिए, वो देखो खून, देखो खून। नहीं वो पेशेंट नहीं दिख रहा क्या? मारना है मुझे, मारना है आपको, वो देखिए पहले देखिए। इतना गमला ठुकिए ना, उसको बंद नहीं कर सकता था, हमको नहीं आता है। मैडम बोले आगे गुस्सा गुस्सा निकाल के चले गया और कुछ भी बोलने से अभी क्या बोलता है, डॉक्टर ढंग से इलाज कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो ले जा सकते। मैं बोली लिख के दो आप कहीं भी प्राइवेट में कराओ या रिपोर्ट कराओ, दर्ज कराओ, कलेक्टर को भी दो, हमको कुछ मतलब नहीं, जो करना चाहते कर लो आप लोग। ऐसा पहली बार हुआ कि इससे पहले वैसे कभी हुआ? यही पे आज हुआ है, आज ही हुआ। इससे कितने दिन से मरीज आपका यहाँ पे है? तीन दिन से है, तीन दिन से, दो दिन से और कुछ नहीं हुआ, आज ही हुआ। ये डेली हो रहा है भैया, डेली हो रहा है। पुराने समय ऐसा चिल्लाते हैं हम लोग, तुम चुपचाप बैठ जाते, ज्यादा बोल नहीं पाते भैया हम कुछ। वो आप लोग का ड्यूटी है बोल के तो मेरे को धक्का मारी। कौन मारा? सिस्टर नर्स है, सिस्टर। क्यों धक्का मारी, क्या कर? नहीं आप कुछ मत बोलो, आप क्या जानते हो। अब वो चुप रहे बोल बोल बदतमीजी कर रहे, सीधा पकड़ के धक्का दे दी, पूरा धक्का दिए मेरे। देखिए यहाँ हॉस्पिटल में मुझे फ़ोन आया, अपने कार्यकर्ता का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि यहाँ पर भैया बहुत हंगामा हो गया है और हाथापाई हुआ है, मरीज और यहाँ के जो सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, उनके साथ में कुछ सिरिन लगाने के चक्कर में कुछ गलत इलाज हो गया, उसमें ब्लड व्लड कुछ नीचे गिर गया, तो उसमें वहाँ के जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बात ये वाला आया कि बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई झगड़ा का विषय वहाँ पर बन गया। लेकिन जानकारी फिर जब मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर आने के बाद ये पता लगा कि सिस्टर ने मरीजों के साथ धक्का मुक्की किया है, डॉक्टरों ने धक्का मुक्की किया है और उसके बाद फिर कोई गार्ड आके मरीजों के साथ मारपीट किया है, ये विषय मेरे संज्ञान में आया। और मेरे सामने एक डॉक्टर आके बोलता है कि भैया इलाज कराना यहाँ कराओ, नहीं तो आप लोग यहाँ से जाइए। पर उनको बोलने का अधिकार किसने दिया है? सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार का हॉस्पिटल, हमारी सरकार है ना, कि उनको भगाना चाहिए। मेरे सामने ही दो तीन मरीज उठ के जा रहे थे, मैंने उसको रुकवाया, नहीं भैया इलाज होगा तो यहीं होगा, हमारी सरकार है, और यहाँ पर महारानी हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पर अच्छा इलाज होगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में और अच्छा इसको ठीक करेंगे। लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है, ऐसे सिस्टर और डॉक्टर जो भी निवाब हैं, जिन उन्होंने दुर्व्यवहार किया, इन लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और आने वाले समय में अभी करण साहब मैं अभी ज्ञापन देने वाला, इस विषय में बात रखूंगा और अपने मंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। सोमवार की दोपहर कोरबा के कटघोरा के निकट लालघाट में निर्माणाधीन पुल के धराशायी होने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में 9 मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। हादसे के तुरंत बाद संजीवनी की मदद से सभी हताहत मजदूरों को जिले के अलग अलग अस्पतालों में उपचार के लिए लाया गया था। पुलिस और स्वास्थ्य की टीम ने कोरबा के जिला अस्पताल में भी एक मजदूर को आपात स्थिति में भर्ती कराया था, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी गंभीर रूप से घायल उस मजदूर का इलाज शुरू नहीं किया जा सका है। बिना इलाज के दर्द से कराहते मजदूर ने अपनी आपबीती सुनाते हुए अस्पताल पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बहुत ले गया घींच के, हेल्प करने के लिए चाहता नहीं है, हॉस्पिटल मदद नहीं मिल रहा, कहाँ मिल रहा है हॉस्पिटल मदद, कुछ अभी तक हम कल से आए हैं, परेशान हो गए हैं, कहाँ को बोलता है डॉक्टर 25 तारीख को आएगा, फायदा हमको क्या है,
प्राइवेट में हम जब आए वही सुधारते हैं। कल भी आया लेबर इंस्पेक्टर भी आया, उसको भी दिया, और आदमी आया था मीडिया वाला उसको भी दिया, कितना बार दिए थे उनको, बोलता है खाली कह के पैसा चला जाता है। यहाँ पे हेल्प करने के लिए चाहते नहीं तो क्या बताएंगे। वो सीएस में कल भी इंस्पेक्टर आया था लेबर इंस्पेक्टर, वो भी वैसे बोल के गया है। कोरबा के वार्ड नंबर 29 पोड़ी बहार में राशन दुकान को लेकर उपजा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय पार्षद प्रदीप जायसवाल और दुकान संचालक राजू अग्रवाल अब एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। स्थानीय पार्षद जहां एक ओर संचालक राजू अग्रवाल को लेकर मुखर हो गया है, तो वहीं राजू अग्रवाल ने महिलाओं की शिकायत को फर्जी शिकायत बता डाला, साथ ही पार्षद पर दुश्मनी भुनाने का भी आरोप लगाया है। पौड़ी बहार की महिलाओं ने दुकान संचालक राजू के खिलाफ सोमवार को अपना शिकायती पत्र सौंपते हुए कलेक्टर से अपने साथ हुए कथित बदसलूकी के संबंध में अर्जी दी थी। महिलाओं ने राजू अग्रवाल पर मारपीट किए जाने की भी शिकायत की थी। इस पूरे मामले पर दोनों ही पक्षों से हमारे संवाददाता ने बातचीत करते हुए पूरे विवाद पर इनका पक्ष जानने की कोशिश की। मैं सोसाइटी आ रहे हैं, तो सोसाइटी में जो मारपीट हुआ करी अंदर का इस कमरा उमरा के, तो वही आए रहे हैं हम रिपोर्ट लिखा, तो वहाँ भी नहीं हुई रिपोर्ट हुआ, गए रहे हैं लेकिन ये नहीं हुआ है, कोई शिकायत लेके आए हैं नहीं। कोड़ी बहार सोसाइटी ले कौन चला थे सोसाइटी ला? राजू अग्रवाल। ओ इधर आओ ऐसे बोली, तो थोड़ा तमीज से बात करो ऐसे बोले। और पैसा ले लीस, कार्ड अभी ले ली सब ये कर दा रही एंट्री उन्ट्री, अब नहीं तो जा ऐसे बोलीस, फिर सब ला इकट्ठा करा तो सब बंद करबो ऐसे की के। मैं कहें तो देनेज पड़ी तहन ले एंट्री करे, तो ऐसे बोले तो हमारे बाल ला पकड़ के और एकदम धक्का कदे के अंदर कर दी, अंदर करे चावल चावल के सोसाइटी अंदर, अंदर करे के बाद में मैं बाहर कोशिश निकले के करें, तो फिर मोला सटा लगी रही सजा जेकर पास जाना है क्या करें, मोदी के पास जाबे रमन के पास जाबे ऐसे की बोलीस। फिर गाली गलौज इतना ज़्यादा बकत रही से बहुत ज़्यादा, तो थाना गए रहे हैं। आमंत्रित करने में ये है शासन के द्वारा फूड विभाग से जितना आमंत्रित सिविल सप्लाई केंद्र में किया जाता है उतना हमारे द्वारा डीडी जमा किया जाता है। फूड डीडी के माध्यम से वो सामग्री प्रदाय करते हैं और उसी से हमको जो कार्ड है हमारे टेबलेट में दर्शाया जाता है पर मात्रा कि इनको 40 की 42 किलो देना है, इनको 49 किलो देना है, 7 किलो देना है, उसी मात्रा से हमारे द्वारा टेबलेट में ही वितरण किया जाता है। खाली कोई कहता है दे दो तो नहीं, क्योंकि टेबलेट में जब तक नहीं चढ़ेगा वह माल कम नहीं होगा, वह पूरा का पूरा ही बताएगा जितना वहाँ से सिविल सप्लाई से आया रहेगा। और इसमें मात्रा नहीं चला, अभी जो कार्ड बनाए हैं नया इसमें पार्सल के द्वारा क्या किया गया है कि बहुत से कार्ड में ये नहीं दिखा, नाम तो टेबलेट में चढ़ा दिया गया है और उनका जो है टेबलेट को खोलने पर उनको ये नहीं दिखाया जा रहा है कि कितना मात्रा दिया जाए, कि 5 किलो दिया जाए कि 7 किलो दिया जाए। तो इस बात को ग्राहकों को बोलने से कहते हैं कि हम 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, हमने कई लोगों को समझाइश भी दी कि भाई वहां से सुधरवा के ले आइए और आपका माल मिल जाएगा। बीते 3 महीनों से अपने वेतन के लिए भटक रहे बिजली कर्मियों ने कलेक्टर से मिलकर अपने मेहनताने की गुहार लगाई है। कोरबा के 8 सब स्टेशनों से पहुंचे विद्युत कर्मियों ने सुपरवाइजर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर से सभी के वेतन भुगतान कराए जाने की बात की है। उन्होंने कहा कि दीपावली उत्सव के मद्देनजर बिना वेतन के सभी कर्मी भटकने पर मजबूर हैं। पैसों के भुगतान नहीं होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें मासिक वेतन नहीं दिया जा रहा है और प्लस बोनस भी पीएफएफ की जानकारी नहीं मिल रही हमको। ये कब से आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है और आप लोग कितने कर्मचारी हैं? अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से 8 सब स्टेशन से आए हैं और तो अब अगस्त से हम लोग को पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। कितना आप लोग का वेतन दैनिक वेतन? लगभग 6,500 है। तो आप लोग अभी तक कितना मिल पाया है और कितना महीने का बचा? अगस्त से नहीं मिल पाया अभी तक, ना बोनस दिया गया है। ये हम लोग 8 सब स्टेशन से आए हैं और अगस्त से अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है और 3 साल लगभग हो गया हम लोग को पीएफ की जानकारी नहीं मिला है। पीएफ की जानकारी के लिए
कई बार सुपरवाइजर को बोले, उन्होंने आज देंगे कल देंगे करके घुमा रहा है और आज तक दिया नहीं है। ये समस्या अभी दीपावली त्यौहार है, आप लोग कैसे करेंगे? आप भाई अब इसी के भरोसे से हम लोगों का घर बार चल रहा है और अभी तक पेमेंट वेमेंट मिला नहीं है। कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। आज दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाने का आने की इच्छा रहता है और मैंने पेमेंट नहीं मिलने कारण वो ऐसा हो नहीं पाएगा। शराब से बिगड़ रहे गांव के माहौल और युवाओं में फैलती इस लत की शिकायत को लेकर जनदर्शन में ग्राम भुलसीडी की महिलाओं ने अपनी आप बीती कलेक्टर के सामने रखी। उन्होंने बताया कि अवैध शराब के कारोबार ने अब उनके गांव के स्वच्छ वातावरण को पूरी तरह खराब कर रखा है। युवा बुजुर्ग सभी शराब के नशे में धुत रहते हैं। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर तत्काल अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर नकेल कसने की गुहार लगाई है। अधिकारियों ने उन्हें जल्द इस अवैध कारोबार से गांव वालों को निजात दिलाने की बात कही है। दारू की बहुत ज्यादा समस्या है, ज्यादा समस्या है। बाल बच्चे छोटे छोटे पिया थे हमारे यहाँ, बिगड़ जाते थे करने। तो साहब ने मिला? कहाँ बोले साहब? साहब बोली नहीं, समस्या के समाधान हो चुका। पिछले एक साल से अभी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने के बाद भी निराश्रित वृद्ध जनों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है। पेंशन के लिए कोरबा के ग्राम बोईदा से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे बुजुर्ग महिलाओं ने इस बात की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फोटो और तमाम तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर लेने के बाद भी अधिकारी पिछले एक साल से उन्हें पेंशन की राशि के लिए गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर सभी पेंशन ग्राही कलेक्टर से मिलने पहुंचे। क्या पैसा नहीं मिला थे हमारा, कतका दिन हो गए लिखवा के फोटो खिंचवा के सब करके, कई साल 5-6 साल हो गए, मिल ही कथे कहाँ। बस वो सरपंच हो तो वो हाउ बनाबो, वो कथे वो बनाबो कहाँ, बस हमारा मिलबे नहीं कर। निराशन नहीं पाथन तो निराशन बा कैसे, कब ले नहीं मिला, मिलबे नहीं करे हमारा। का का चीज बनी मिला थे, कौन बोला थे, का फॉर्म हम जमा करे हैं? जमा नहीं करे हैं, गा फिर अब ले जाए हम करे। बहुत प्रयास 2-3 साल हो गए काम हो जाते, बनी बनी कहते आही कहते तो बस कहाँ बार आबे नहीं कर देबे नहीं करा। कतेक साल हो गए? हमारा 6 साल हो गए विधवा हो। तक तुम के अभी कैसे रोजी चलाते हो? अब कमा तन दमा तो खा। सरपंच क्या कहते हैं? वो आही बस कहते तो बस फार्म दे जमा नहीं कराए। पेंशन बा कब ले नहीं मिला? एक बार नहीं मिले हैं हमला। तो उन फॉर्म हम जमा करें? हाँ सरपंच से। हाँ फिर क्या सरपंच सचिव मिली कहते तो बस उसके घर कहीं देते हैं बस। अभी तुम आज कहाँ लाए? कलेक्टर ऑफिस आए हैं। जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कोरबा के शासकीय मिनीमाता कॉलेज में भी राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में कोरबा के सांसद बंसीलाल महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सांसद ने इस मौके पर सभी प्रतिभागियों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने छात्र जीवन में खेलों के महत्व को बताते हुए पूरे आयोजन के दौरान खेल भावना को सबसे ऊपर रखने का संदेश दिया। व्यवस्था में दुख को नज़रअंदाज करना है आप सब लोगों को, वैसे मेरे को भरोसा है मिनी माता कन्या महाविद्यालय में जो हमारे प्राचार्य हैं और जितने भी हमारे अध्यापिका हैं प्रोफेसरगण जितने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सूझबूझ वाले हैं और सभी लोगों का बराबर ध्यान रखेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। हम चाहते हैं कि खेल प्रारंभ हो, एक आध खेल एक बार कोई खेल एक आध हल्का सा देख लेता हूँ फिर मुझे तत्काल बिलासपुर जाना है। तो जो रेफरी साहब जो लोग हैं और इनके जो कोच आए हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं कि पूरा ध्यान से अच्छे अनुशासन हो करके खेल की भावना से करें। खेल में बहुत सारे गुण हैं, इससे स्वास्थ्य का वर्धन होता है। पढ़ाई लिखाई सामान्य बात है ही है लेकिन यदि मनुष्य को आगे बढ़ना है स्वस्थ रहना है तो व्यायाम प्राणायाम योग वगैरह खेल कूद यह सब आवश्यक है। पहले जमाने में खेल का बड़ा बहुत ज़्यादा और महत्व होता था, आज भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ से बच्चे NSS में भी कमला नेहरू महाविद्यालय के कुछ बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ के भी बच्चे आगे बढ़ें। अवैध अतिक्रमण और सड़कों तक फैले दुकान अब आम लोगों के आवागमन के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है।
त्योहारों के मौसम में भी भारी वाहनों का मार्ग डाइवर्ट नहीं किए जाने से यात्री बस और एम्बुलेंस जैसी जरूरी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। कोरबा के कुसमुंडा में भी एक ट्रेलर के फंस जाने से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिससे धनतेरस के दिन भी आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं किसी पुलिस जवान की मौके पर तैनाती न होने से विवाद की स्थिति भी निर्मित होती रही। जाम हुआ भैया, बहुत टाइम से आधा घंटा हो गया, पब्लिक परेशान हो जाते हैं। क्या रोज जाम होता है? हाँ, डेली का जाम है भैया यहाँ पे। कितने घंटे से खड़े हो हम लोग? 1.25 घंटा हो गया जाम लगा है। कब से जाम लगे? सुबह से जाम लगे 10 बजे के आसपास। क्या दिक्कत होती? अरे टैंकर वाला सवारी है, यहाँ सवारी बैठे हैं, सब लोग पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान होते हैं। दंतेल हमले और अपने अनाज की चोरी से परेशान सेंद्रीपाली के आश्रित 7 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर कोरबा से मिलकर गांव में ही धान खरीदी और गोदाम का प्रबंध किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 5 सालों से अपने अनाज की सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित हैं। बिक्री के लिए रखे धान को कभी हाथी चट कर जाते हैं या फिर चोर उन पर हाथ साफ कर देते हैं। इन्हीं तमाम समस्याओं से ग्रसित ग्राम सेंद्रीपाली के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर गांव में ही उपार्जन केंद्र की व्यवस्था किए जाने की गुहार लगाई है, जिस पर मातहत अधिकारियों ने उन्हें इस समस्या के निपटारे को लेकर आश्वस्त किया है। हमारा समस्या यह है, हम 7 पंचायत जंगल के बीच में रहते हैं, किसान आदमी हैं। हम लोग का मंडी पड़ता है करतला, और जाने सुबह तो दिन में चल देते हैं, बाकी हमारा धान तौल होता है 8 से 9 बजे 10 बजे रात तक के आते हैं। उधर से तो हम लोग फंस जाते हैं, क्या बोलते हैं, हाथी के साथ में मुठभेड़ होता है, एक दो आदमी का हत्या भी हो गया है। तो हम चाह रहे हैं कि सेंद्रीपाली पंचायत में मंडी धान खरीदी होना चाहिए। 2-3 साल कैंसिल हो गया है, और खुलेगा बोलते हैं, और उसके बाद में लास्ट समय में दब जाता है इस बात। अभी साहब से मिले आप लोग? साहब से मिले हैं तो चलो हो जाएगा बोला है, अब यदि कलेक्टर साहब कर देते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार देने के सरकारी दावों के बीच भोले भाले ग्रामीणों को ठगने का खेल जिले में बदस्तूर जारी है। काम कराए जाने के बदले ना ही मजदूरों को मजदूरी भुगतान किया गया है और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो पा रही है। कोरबा के दूरस्थ अंचल के गांव से पहुंचे वृद्ध श्रमिकों ने कलेक्टर से मिलकर ठेकेदार पर मजदूरी की राशि के गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बीते 2 सालों से काम कर रहे लोगों को आज तक 1 रुपये का भी भुगतान ठेकेदार की ओर से नहीं हो पाया है। तो कुलिया में 2 साल भुगतान कर रहे हैं, पैसा नहीं मिले। कतेक पैसा आज है एक जन के? कतेक पैसा आज है? अभी क्विंटल में 4,000 थे, 3,000। 2 साल काम कर रहे हैं? हाँ, 2 साल। के आदमी मन काम करे हैं? यथका मन में चौकीदार रहे। चौकीदार रहे तब निकाले का चीज़ पर निकाले है का बोल के निकाले तुम मतलब काम बंद कर दी। ओकर बाद गेरा मांगे तो का थे पैसा मांगे रहता आधे नहीं दे से 3 साल अभी पूरा थे, 2 साल काम चल। हम बहुत दिन काम कर रहे हैं, दशहरा के बाद काम कर रहे हैं, साल भर में साल भर हो गए। अब कोई दिन 8 बजे कोई दिन 9 बजे रात ला भी छुट्टी नहीं दे। अब बने धुरी हमारे गाँव घर पर है, हम घर में चौल नहीं रहता, अपने हम दुकान में उधार कर कर के खेत काम करत रहे। अब हम आज देवो कल देवो आज देवो कल देवो इसने कहते जाए तहन भटका के कोई बात नहीं, हम करते रहें तो आज तक पैसा नहीं दे। काकर अंदर में काम करता कौन ठेकेदार रही? गोरेलाल साहब। गोरेलाल साहब हमला पैसा चाहिए। समाज की मुख्य धारा से अलग रह रहे कुष्ठ पीड़ितों के बीच आज कोरबा पुलिस ने दिवाली मनाने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक कोरबा डी श्रवण और जिला पुलिस के आला अधिकारियों ने मुड़ापार स्थित कुष्ठ आश्रम में जाकर पीड़ितों के बीच दिवाली मनाई। SP कोरबा ने इस मौके पर जरूरतमंदों को कपड़े मिठाई और दूसरी जरूरी सामानों का वितरण करते हुए उन्हें दीपावली पर्व की बधाई दी। इस मौके पर कुष्ठ पीड़ितों ने अपनी मूलभूत समस्याओं से भी अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने बिजली जैसी समस्याओं का जिक्र किया, जिसके समाधान के लिए पार्षद ने बताया कि वे जल्द ही इस विषय पर SACL के अधिकारियों से बात करेंगे। गौरतलब है कि बीते कई वर्षों से जिला पुलिस के कप्तान समाज से अलग रह रहे लोगों के बीच दिवाली पर्व का आनंद लेते रहे हैं।
उनकी आत्मीयता से कुष्ठ पीड़ित रोगी भी गदगद नजर आए। सब लोगों को बहुत बहुत दीपावली का शुभकामनाएं, है ना। अच्छे रहो और जितने भी बच्चे हैं सब लोग पढ़ते रहे, पढ़ाई बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिवाली उत्सव के संबंध में यहाँ पर कुष्ठ आश्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ये सब आए और बोले कि जो समाज के मुख्य धारा से हटे हुए लोग उनके बीच में जा करके हमको दिवाली का त्यौहार मनाना है। यहाँ आए और मेरे को भी कुछ निर्देश मिले हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इनको जो आवश्यक सामान है, फ्रूट्स हो गए, मच्छरदानी और दिवाली के उपलक्ष में महिलाओं को साड़ी, पुरुषों को कुछ कपड़े, लुंगी और चप्पल, इस टाइप की चीज़ें वितरित की गई हैं। और यहाँ जो महिलाएं हैं उन्होंने कुछ डिमांड किया था बिजली के संबंध में, तो यहाँ के जो पार्षद हैं वो मेरे साथ में हैं, वो बिजली के संबंध में बात कर रहे हैं SECL से। तो आगे आज पुलिस कप्तान महोदय द्वारा आज यहाँ पर साड़ियाँ, फल फ्रूट और मिठाइयाँ वितरित की दीपावली के शुभ अवसर पर। और इनकी कुछ कुछ समस्याएं हैं, जैसे शौचालय की समस्या है तो शौचालय बनवा दिया गया है, और अभी बिजली की कुछ समस्याएं हैं जिसके संदर्भ में मैं SECL प्रबंधन से बात कर रहा हूं और वो समस्या को भी जल्द से जल्द दूर। दीपावली के पावन मौके पर अब शहर के लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कोरबा के नहर पुल रोड पर स्थित न्यू JK ज्वेलर्स ने आभूषणों की विशाल रेंज प्रस्तुत की है। धनतेरस के नजदीक आते ही सोने चांदी की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। कोरबा के सर्वाधिक पुराने एवं विश्वसनीय सोने चांदी की दुकानों में सर्वश्रेष्ठ न्यू JK ज्वेलर्स में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसकी सबसे अहम वजह यह माना जा रहा है कि उक्त दुकान में ग्राहकों के विश्वास को जीतने के लिए सोने चांदी के आभूषणों की खरीद फरोख्त में पूरे विश्वास को घोला जाता है, जिससे आने वाले ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट होकर दुकान में जाएं। इस संबंध में न्यू JK ज्वेलर्स के संचालक जय सोनी ने हमारे चैनल से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इस बार दीपावली में हमारे यहाँ ये है कि टोटल जितने भी ज्वेलरी हैं सब 916 फार्मार के हैं, जो भी शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सरकार के बनाए नियमों पे ही ज्वेलरी बेचे तो बेहतर है, और उसी को देखते हुए शुद्धता को ही ध्यान में रख करके इस बार सारा कलेक्शन किया गया है। अभी त्यौहार के मद्देनजर किस तरह से काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है कस्टमर लोगों का, और काफ़ी हैवी ज्वेलरी की ही डिमांड यहाँ है अभी है, और बाजार काफ़ी शानदार चल रहा है अभी। न्यू JK ज्वेलर्स की दुकान में लगी भीड़ में से एक ग्राहक से हमारे संवाददाता ने बात की, उन्होंने ज्वेलर्स पर अपनी पूरी विश्वसनीयता प्रकट करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये करीबन मेरे को 4-5 साल हो गया है, है ना, और काफ़ी अच्छा वैरायटी मिलता है, मतलब क्वालिटी अच्छा रहता है सोने का, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से खरीद के, मतलब मन संतुष्ट रहता है कि प्योर सोना मिला है, ऐसा टाइप मिलावट वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है। और यहाँ का जो भी मतलब सोना वगैरह मान लीजिए जैसे कहीं और भी देते हैं तो पूरा पैसा भी मिलता है, मतलब कटता नहीं है उसमें, जान वगैरह कुछ नहीं करता। गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन हमारी ईमानदारी हमें ईश्वर से मिला सबसे बड़ा उपहार भी है। गरीब असहायों की मदद कर हम उन्हें अपना यह उपहार सौंपते हैं, ताकि हर गरीब अपने मेहनत के बल पर आत्मसम्मान के साथ जी सके। गरीबों की मदद हमारी स्वेच्छा नहीं बल्कि हमारा परम कर्तव्य है। आज धनतेरस का पवित्र संदेश यही है कि ईश्वर सदैव उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। मोमबत्ती के डाल दे, करवा भी डाल दे। ये लीजिए बाबू जी, आपके हो गए 650 रुपए। ये क्या बाबू जी, तो 550 रुपए है। अरे सही पैसे दिए, रख ले बाबू जी, इतना कम में नहीं हो पाएगा, 20-30 रुपए तो बचता है हमको। एक काम कर, पकड़ अपना सामान, इसीलिए तुम जैसे लोगों से सामान ले लेते, तुमसे चलो गुप्ता की दुकान है, उनसे ले लेंगे हम। बाबू जी नाराज क्यों हो रहे हैं, 10-20 कम दे दो, हमारी भी दिवाली मन जाएगी। और गुप्ता जी क्या हाल है भाई? बढ़िया। अच्छा एक काम करिए, 200 दिए दे दो। अच्छा, और 8-10 पैकेट मोमबत्ती के डाल दो।
ये लो जी आपके हो गए 1160 रुपए। अरे गुप्ता जी सही पैसे लगा लो, इतना पुराना कस्टमर हूँ मैं आपका, इसीलिए तुम जैसे लोगों से सामान नहीं लेते। कम से चलो गुप्ता की दुकान से उनसे ले लेंगे हम। ये रखो मैं अभी थोड़ी देर में आता क्या रे बिरजू, तेरे दिए बिके नहीं क्या अभी तक? सुबह से कुछ नहीं बिका भाई। यार मेरे सारे दिए तो बिक गए, मैं घर जा रहा हूँ। पर मैं कैसे घर जाऊँ भाई? क्यों? मेरे घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं, अगर मैं घर खाली हाथ गया तो मायूस हो जाएंगे, और मैंने सुबह से इतना भी नहीं कमाया है कि मैं उनके लिए पटाखे या मिठाई ले जा सकूँ। चल कोई बात नहीं यार, तू निकल मैं आता हूँ। ठीक है यार। ये दिए कैसे दिए? दिया 250। अरे बाबू जी आप हम गरीब से दिए क्यों लीजिएगा? आप तो उन्हीं बड़ी ऊंची दुकानों से दिए लेंगे ना। चलो छोड़ो, ये सारे दिए कितने के हैं? सारे दिए? हाँ भाई सारे दिए। ये कुछ 800-900 के होंगे। और पूरा टोकरा? पूरा टोकरा? हाँ भाई पूरा टोकरा। ये कुछ 1200 का होगा बाबू जी। ये 1500 रुपए। 1500 किस लिए बाबू जी? 1200 रुपए तेरे टोकरे के, 300 रुपए मेरी तरफ से तेरे भाई बहनों के लिए। इन पैसों से उनके लिए मिठाइयाँ ले लेना, और इस बार दिवाली तुम्हारे घर में मिलेगी, तुम्हारे घर की इस बार दीप जलेंगे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बाबू जी। उस दिन मुझे डिस्काउंट तो नहीं मिला, पर घर लौटते वक्त मन में एक अजीब सा सुकून था, एक तसल्ली थी कि आज इस गरीब के घर अंधेरा नहीं रहेगा। अगर हम बड़े दुकानों के बजाय इन गरीबों से कुछ सामान खरीद लेंगे तो हमारे साथ साथ इनके बच्चे भी खुशियां मनाएंगे। करके देखिए, अच्छा लगेगा। आइए एक नजर डालते हैं देश की सराफा बाजार पर। आइए देखते हैं देश के चुनिंदा शहरों के मौसम के मिजाज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। You guys are watching INN24. Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN24. Namaskar, adab, main Shahbaz Khan aur aap log dekh rahe hain INN24. Dekhte rahiye, maza lete rahiye. God bless you.